हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 कक्षा 7 विज्ञान का, मौसम, जलवायु और जलवायु द्वारा जंतुओं का अनुकूलन। हमारे इसके नाम से ही हमें स्पष्ट है कि ये पाठ जो है हमारे किस मौसम, मौसम मीन्स हमारे इन्वायरमेंट, हमारे प्रकृति से रिलेटेड है। जलवायु, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं, या हम जिन्हें अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, पार्ट 1 है, मीन्स भाग 1 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में विस्तृत समझेंगे। पहला टॉपिक हमारा है मौसम। मौसम एक ऐसा टॉपिक भी है और एक ऐसी घटना है जिसे हम प्रतिदिन अपने जीवन को के साथ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मीन्स मौसम एक ऐसी घटना है, जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, क्या होता है कभी जब धूप निकली रहती, तो जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आज समझ में भी आ रहा, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, जैकेट से समझ में आ भी रहा होगा कौन सा मौसम चल रहा है, ठंडी का। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है, हम सुबह देखते हैं कि आज धूप निकली है, तो कैसा मौसम होता है, कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है। हम क्या कहते हैं, अच्छा मौसम बोलते हैं। जब ठंडी के मौसम में धूप नहीं निकली रहती तो हम कहते हैं बड़ा ख़राब मौसम है। मीन्स मौसम में, मौसम ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, हम कहते हैं बड़ा ख़राब मौसम है या धूप नहीं निकली। और वैसे ठंडी में अगर बारिश शुरू हो गई, अरे यार आज बहुत ही गंदा मौसम, एक तो इतनी ठंडी पड़ रही है, धूप भी नहीं, उसी में बारिश भी हो गई, मीन्स बहुत ही ख़राब मौसम हो गया। मीन्स मौसम को देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या कहा, जब धूप, मीन्स क्या था, सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य क्या हुआ, उदय नहीं हुआ, किस मौसम में, ठंडी के मौसम में, और उसी में क्या हो गई, वर्षा हो गई। और उसी में एक बात और ध्यान रखिए, ठंडी पड़ रही है, बारिश, सूर्य भी नहीं निकला, मतलब धूप भी नहीं निकली, उसी में वर्षा भी हो गई, उसी में तेज़ हवा भी चल रही है। कैसी हवा चल रही है, तेज़ हवा। कभी कभी ठंडी में भी क्या होता है, तूफान आ जाता है, तेज़ हवा, और गुस्सा लगती, अरे यार अब तो एकदम बस ख़राब हो गया, इतनी ठंड पड़ रही, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, बड़ी समस्या है, धूप नहीं निकली, वर्षा भी हो रही है, तेज़ हवा चल रही है। मीन्स कहने का है कि मौसम एक ऐसी घटना है जिससे मौसम कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिनको क्या, सूर्य के जो ये हमारा तापमान होता है वो प्रभावित करता है, वर्षा, मीन्स वर्षा होने पर क्या होती है, नमी, आर्द्रता प्रभावित करती है, और तेज़ हवाएं। मौसम एक ऐसी घटना है जो इन तीन चीज़ों से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, अर्थात ये सारी चीज़ें। और हम ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा ये क्या है, सूर्य डेली हमें हमें क्या करता है, अपने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, वर्षा हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तेज़ हवाएं हमसे संबंधित हैं, हम डेली देख रहे हैं, कभी धीमी हवा, तेज़ी हवा, तेज़ हवा देखते हैं, नहीं तो महसूस करते हैं हवाएं। मीन्स मौसम एक घटना है जो इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, मीन्स हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम, क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे घर में कोई शादी फंक्शन पड़ता है या कहीं पे हमें जाना है घूमने, तो हम क्या नोटिस करते हैं, टिकट टुकट तो सब हम बुक कर लेते हैं, हम मौसम का भी बहुत ध्यान रखते हैं। शादी पड़ती है, देखिए हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग कास्ट से, हमारे यहाँ क्या होता है, अलग अलग कास्ट में, मौसम में, अलग अलग मौसम में शादियाँ होती हैं, बट शादियों में देखिए मौसम क्या है, बहुत ध्यान रखा जाता है, किस मौसम में, ठंडी के मौसम में कहते हैं कि गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश भी नहीं होगा, आंधी तूफान नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रख के कार्यक्रम को डिसाइड किया जाता है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मौसम एक ऐसी घटना है कि जिसको प्रिडिक्ट करना, मीन्स पहले से बताना, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले से बताना बहुत ही कठिन काम है। क्यों कठिन है, अब आप बता सकते हो 6 महीने बाद कि दिसंबर में या अगले दिसंबर में धूप निकलेगी कि नहीं, इस तारीख, बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए किसी की शादी है उस डेट में, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं। बट क्या होता है कि कैलेंडर से एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रॉक्सी, मतलब शायद धूप, मतलब उस समय होता है दिसंबर में, जैसे दिसंबर में एक अनुमान रहता है कि बारिश नहीं होगी, धूप नहीं निकलेगी, ठंडी पड़ेगी, बट बारिश का अनुमान नहीं रहता, हवाओं का अनुमान रहता है कि हवाएं चल सकती हैं, बट वर्षा का अनुमान नहीं रहता। तो मौसम एक ऐसी घटना है जिसको जिसको पहले से बताना, मीन्स प्रिडिक्ट करना बहुत ही कठिन काम है। ऐसी, क्योंकि ये घटनाएं किससे जुड़ी हैं, ताप से और वर्षा से और तेज हवाओं से, इन सबको पहले से डिसाइड करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो मौसम एक ऐसी घटना है जो कि प्रतिदिन निर्धारित की जाती है, मीन्स ये किससे पर डिपेंड है, हमारे सूर्य पे, सूर्य में सूर्य उदय हुआ कि नहीं उस पर पता चलता है, सूर्य उदय और अस्त पे, वर्षा पे, तेज हवाओं पे निर्भर करता है। और अब मौसम हमें दिखता भी है डेली,
कि क्या होता है हमें प्रतिदिन का। इसमें एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है आप में कि पहली एक्टिविटी है क्रियाकलाप नंबर वन में, उसमें है क्या कि आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में हमारे निकला रहता है अधिकतम तापमान इतना होता है, न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान और सूर्य उदय का समय निकला रहता है कि आज तापमान इतना होगा। मीन्स जब एक अनुमान लगाए रहते हैं कि अगर आज तेज़ धूप हुई इतना तापमान जाएगा और शाम का तापमान इतना रहेगा, न्यूनतम तापमान इतना रहेगा। मीन्स यहाँ से यहीं से एक और जुड़ा हुआ है कि जो दिन का तापमान होता है, दिन में क्या होता है एक अधिकतम तापमान होता है, दिन में एक अधिकतम तापमान होता है और दूसरा दिन में ही क्या होता है न्यूनतम तापमान। इनको हम समझ लेते हैं न्यूनतम, न्यूनतम तापमान। दिन में क्या है एक अधिकतम तापमान होता है, दूसरा न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान कब होता है दोपहर के बाद, मीन जैसे दोपहर में 12 बजने के बाद अधिकतम तापमान नोटिस किया जाता है और न्यूनतम तापमान सुबह, वही जो जिसे भोर आपस में हम आम भाषा में भोर का समय बोलते हैं, जैसे सुबह 4 बजे का, वो हमारा क्या होता है न्यूनतम तापमान। इसको इसको मापने के लिए हमारे पास क्या होती है तापमापी होता है, क्या होता है तापमापी, मौसम को मापने के लिए, ठीक है। इन अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को मापने के लिए हमारे पास तापमापी होता है, ठीक। इसी तरीके से जो वर्षा होती है इसको मापने के लिए हमारे पास क्या होता है वर्षा मापी होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेन गेज। उस इक्विपमेंट का नाम क्या होता है वर्षा मापी। वर्षा मापी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ ज़्यादा बहुत ही आप इसे घर पर वर्षा मापी को बना सकते हो। इसमें होता क्या एक ऐसे ही एक पात्र होता है और उसमें मेजरमेंट दिया रहेगा, मीन्स नंबरिंग mm में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा और ऊपर से क्या लगा होता है कीप, मीन्स ऊपर से कुछ इस तरीके से कीप लगी होती है और बारिश नोट की जाती है उसमें जितना बारिश रहता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी बारिश हुई 10 mm, तो बता देंगे जमीनी वही हाइट 10 mm बता दी जाएगी 10 mm बारिश हुई। 10 mm बारिश की मतलब जमीन से उतनी ऊंचाई तक पानी आया हुआ है, उतनी बारिश हुई है, ये पानी बारिश हुई और इसी जो कीप है इसके अंदर भरता है, यहाँ पे यूनिट लिखी रहती है कितनी बारिश हुई है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वर्षा मापी, इंग्लिश में इसे बोला जाता है रेन गेज। तो हमने क्या समझा मौसम समझ लिया, मौसम किससे किससे प्रभावित होता है सूर्य के उदय होने से, वर्षा से और तेज हवाओं से मौसम प्रभावित होता है। ये घटना बड़ा ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको दैनिक जीवन से जोड़ोगे बहुत आसानी समझ लोगे। आप सूर्य को देखो, वर्षा को देखो, तेज हवाओं को देखो और आप जिस समय चैप्टर को पढ़ रहे हो उस समय का मौसम देखो, जाके न्यूज़पेपर में कटिंग में देखिए आज अधिकतम तापमान क्या है न्यूनतम तापमान क्या है, और दूसरा आप खुद महसूस करिए। गर्मी पड़ती है दोपहर में बड़ी गर्मी रहती है बट सुबह जब हम भोर में उठते हैं हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, मीन्स उस समय तापमान बहुत कम रहता है, बट वही दोपहर में क्या है दोपहर में एक कपड़े एक शर्ट पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ठंडियों में उसका जैसे उल्टा होता है, हमें ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो मीन्स मौसम क्या है बदलता रहता है। अब जो अगला टॉपिक है वो इसी मौसम से ही जुड़ा हुआ है, अगले टॉपिक का नाम है हमारे जलवायु। जलवायु जो है मौसम से ही जुड़ा हुआ है। अब जिसको मौसम समझ में आएगा उसी को जलवायु समझ में आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जलवायु है इसी मौसम का ही औसत निकाला जाता है। औसत का मतलब जलवायु एक ऐसी घटना है जो मौसम, हम पिछले 20 से 25 सालों का मौसम देखते हैं। मीन्स कहने का है कि जैसे कि राजस्थान में है, राजस्थान की वहाँ की जलवायु क्या होती है गर्म होती है, वहाँ ठंडी के मौसम में क्या होता है जैसे गर्मी और ठंडी वर्षा, वहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ की नमी, वहाँ की जलवायु क्या बोलेंगे शुष्क बोलेंगे। वहाँ नमी जो हमने क्या बोला तेज हवाएं उदय और वर्षा में, वर्षा होने से क्या होता है नमी होती है, जिसे साइंस की भाषा में आर्द्रता बोलते हैं, नमी बोला जाता है, ठीक है, आर्द्रता भी बोला जाता है। तो अब क्या होता है वहाँ पे कि नमी तो राजस्थान में पाई नहीं जाएगी, सो वहाँ का जैसे हमें जलवायु बताना है, जैसे मान लीजिए हमें दिसंबर के महीने की जलवायु बतानी है, यहाँ का ओवरऑल जलवायु बताना है, हम किसी एक महीने का पूरा मौसम लेंगे, एक महीने के मौसम की लिस्ट बना लेंगे, अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान, फिर उसका औसत निकालेंगे, फिर उसी महीने का हम पीछे 15-20 सालों के मौसम के बारे में देखेंगे कि पिछले मान लीजिए दिसंबर का हमें निकालना है तो पिछले हम 20 सालों के दिसंबर महीने का देख लेंगे, 20 से 25 सालों का, कि कैसे दिसंबर महीने में कैसे मौसम रहता था या जून के महीने में किस तरीके के मौसम रहता था, तो उसी का औसत निकाल के हम बताएंगे कि ये यहाँ की जलवायु है। जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है, हमारे उत्तर पूर्व भारत में बारिश बहुत होती है तो वहाँ की जलवायु कैसी, बहुत नमी होगी तो वहाँ की जलवायु में नमी ऐड होगा, बट राजस्थान में क्या कहेंगे बहुत गर्म जलवायु बोलेंगे। तो ऐसी ये घटनाएं क्या हैं कि एक दूसरे को जुड़ी हुई हैं, मतलब मौसम और जलवायु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम तापमान, ने जम्मू कश्मीर का ले लीजिए आप, जलवायु बताना है, और इधर आप राजस्थान का ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों बहुत अलग हैं, वहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है, ठंडी के मौसम में और ठंड पड़ती है। और राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान पश्चिम में है और हमारा जम्मू कश्मीर उत्तर में है। तो अब पश्चिम में देखिए भारत के क्या है कि यहाँ राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, और गर्मी के मौसम में भी वर्षा तो इसमें होती नहीं, और गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है, ठंडी के मौसम में भी उतनी ठंडी नहीं पड़ती जितना कि यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तर में जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में बारिश भी होती है, 12 महीने ठंडी रहती है, और ठंडी के मौसम में और ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। बट रेगिस्तान में क्या है, राजस्थान में क्या है, जैसे उसका विपरीत है। मीन्स क्या है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर की जलवायु बतानी होगी तो किसी पार्टिकुलर एक महीने के लेंगे, और उस महीने के पूर्व प्रतिदिन का तापमान नोट करेंगे, उसका औसत निकालेंगे, फिर उसी महीने का 20 सालों का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, फिर उसका औसत निकाल के बताएंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। हम बताएंगे ठंड जलवायु मतलब यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है कि जलवायु नमी है, आर्द्रता है, क्या बताएंगे वो वहाँ की स्थिति को देख करके। जैसे वहाँ की शुष्क जलवायु थी गर्म जलवायु बोलेंगे, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर की क्या होगी, वहाँ का क्या होगा, मौसम ठंडा होगा तो वहाँ पर नमी होगी, आर्द्रता पाई जाएगी, और ठंडी वहाँ की जो जलवायु होगी वो ठंड से संबंधित होगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो मौसम और जलवायु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जलवायु बताने के लिए हमें मौसम के बारे में समझना होगा। और मौसम किनसे किसे जुड़े हैं, सूर्य की किरणों से, मीन सूर्य उदय और अस्त से जुड़े हुए हैं, वर्षा से और तेज़ हवाओं से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें मौसम को प्रभावित करती हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, और वर्षा को किसे मापते हैं, वर्षा मापी मापते हैं। वर्षा मापी एक सामान्य सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक हमारे पास बीकर टाइप का होता है, जो इसमें क्या है, यूनिट लिखी रहती है और ऊपर क्या है, कीप लगी है। बारिश में हम रख देते हैं और इसमें पानी जाता है और वही हम बता देते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, इसमें यूनिट लिखी रहती है या हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में रहता है। तो आज हमने पढ़ा, मौसम पढ़ लिया और जलवायु पढ़ लिया, और हमने पढ़ा कि सुबह क्या होता है, भोर के समय में अधिकतम तापमान, और भोर के समय में न्यूनतम तापमान होता है, और सुबह मंत्र दोपहर के बाद अधिकतम तापमान होता है, उस तापमान को मापने के लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको मौसम और जलवायु से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक रहेगा हम उसमें पढ़ेंगे कि जलवायु जो है, जैसे क्या है, ये सूर्य उदय होता है, वर्षा होती है, तेज हवा हमें भी प्रभावित करती है, हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं, इसी यही चीज़ें जानवरों को भी प्रभावित करती हैं। जहाँ पे जैसे रेगिस्तान में क्या है, अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, बट जम्मू कश्मीर में जहाँ का मौसम अलग होता है वहाँ अलग तरीके की मतलब जानवर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जानवरों को भी प्रभावित करती हैं, इंसानों को प्रभावित करती हैं। इन सब के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर मौसम और जलवायु नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़रूर उसका मैं आपको जवाब दूंगा, या और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ डाउट को भेजते रहिए और पढ़ते रहिए, और उसमें जो एक्टिविटी है उसको ज़रूर करिए क्योंकि वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या करिए आप, पिछले 15-20 दिनों का क्या करिए, वहाँ की जो न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान और सूर्य उदय होने का जो समय है वो दिया रहता है, उसकी क्लिपिंग मतलब उसको काट कर रख लीजिए और उनको ऐड करके, उनको जोड़ करके उसका एक एवरेज निकालिए और समझने की कोशिश करिए। ये आपको करना चाहिए क्योंकि साइंस कहता है आओ करके सीखें। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप सीखोगे, आप पढ़ोगे, आप में वैल्यू ऐड करोगे और लॉन्ग टर्म तक आप सीख सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।